दीवार पर जितने भी दरवाजे होते हैं ना, मैन दरवाजे, उन सभी दरवाजों पर बनते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है, फिर उसके बाद में ना राखी बांधी जाती है। जैसे लड्डू गोपाल जी है, कृष्ण भगवान है, सबसे पहले भगवान को बांधेंगे, पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम राखी बांधेंगे लड्डू गोपाल जी को भी और फिर अपने भाइयों को भी। चलिए, तो दीवारों पे जो ये मांडने बनते हैं ना, इनकी पूजा सेवइयों और चावलों से की जाती है हमारे यहाँ पर। वैसे तो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब सबके घर में अपने अपने तरीके से बनते हैं। तो ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये घर में ही होममेड बनी हुई है, मैदा की भाभी ने बनाई थी। तो यहाँ पर उनको भून करके रखा हुआ है, जिससे काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होती हैं और साल भर चल जाती हैं आराम से। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सेवइयों को डाल दिया जब पानी गर्म हो गया है। गर्म हो जाने के बाद में इसको मैंने पानी को जो है निथार दिया था, उसके बाद में मम्मी ने थोड़ा सा घी डाला इसके अंदर, जिससे कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, और साथ में बूरा डाल दिया। तो यहाँ जो मांडने बनते हैं इसकी पूजा सेवई और चावलों से होती है। और मैं यहाँ आकर के पहली बार पूजा कर रही हूँ, 10 साल बाद मैं अपने भाइयों को राखी बांधने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो मैं तो वही हूँ तैयार। मैंने ये वाला ही सूट डाला है, ये एक है ना कढ़ाई का सूट है, और मतलब इस पर ना ऐसी वाली कढ़ाई हो रही है बहुत ही अच्छी सी। तो ये वाला ही सूट पहन लिया मैंने। मम्मी एक्चुअली ये भी साड़ियाँ लेकर आई थी, तो वही मुझे दिखा रही थी कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी है, देख ले लहरिया। हाँ, राजस्थान में ना सावन का महीने में ना लहरिया बहुत ज़्यादा चलता है, तो मम्मी लहरिया लेकर के आई थी, ये वाला लहरिया, जी वाला। बोल रही थी इनमें से देखो कौन सी साड़ी अच्छी लग रही, तो उनमें से ले ले तो दिखा रही थी, तो मैं वही सब देख रही थी। साथ ही ये वाले बैंगल्स भी लेकर के आई थी लहरिया के, तो कितने शाइन कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो यहाँ मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली, जिसके अंदर मैंने सिंदूर रखे हैं, चावल रखे हैं, पूजा की राखी और सेवइयाँ रखी है। तो इन सारे दरवाजे पर जो ये मैंने मांडने बनाए थे, इनकी पूजा की जाती है। सिंदूर लगा दिया, चावल लगा दिए, सेवइयों का भोग लगा दिया, फिर राखी चिपका देते हैं और पानी से छींटे लगा देते हैं। फिर ये पूजा करने के बाद में लड्डू गोपाल जी की मैं राखी बांध रही हूँ। मेरे सबको बांट ले, वही बच गई। सब इसके सब इसके मम्मी के मम्मी ने बोल दिया भाई, हो गया काम। बस मामा ही देंगे, असली ले लो भाई। ले खाली को डाल दीजिए।
तो मैंने यहाँ पे ना भैयारों की राखी बांधी है और अभी मैं हर्षित की राखी बांध रही हूँ। एक्चुअली ये राखी है ना हर्षित वहाँ से प्रियल ने रख के दी थी, हमारी छोटी सी लाडो ने, गुड़िया ने, मतलब हर्षित वहाँ से ये ना लेकर ही आया था उसके उससे। तो मैंने उसके नाम की राखी बांध दी है, टीका लगा दिया और मिठाई खिला दी है। और अभी हम लोग है ना तीनों मिल भाई बहन ना खाना खा रहे हैं बैठ कर के, और मम्मी जो है वो खाना बना रही है। सारा खाना वगैरह तो बन गया है, बस है ना सर्व कर रही है मम्मी, क्योंकि हम लोगों ने पूड़ी बनाई थी। तो ऐसे हंसी मजाक चल रही है और भैया और ना ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, नकली नोट मुझे दे दिए थे। तो वो नकली नोट नहीं, मतलब पहले चलते थे वो 500-500 के नोट, वो मुझे दे रहे थे, चिल्लड़ दे रहे थे। तो खाने में सेवैयाँ थी, ये शाही पनीर था, शिमला मिर्ची बनाई थी, मिर्ची के टिपोले बनाए थे, और ये भिंडी है, ये सेवैयाँ हैं, ये करेले हैं और पूड़ियाँ। तो बस आज का खाना यही था। हे हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। तो राखी का फेस्टिवल काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों का कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग है ना किस तरह से राखी को सेलिब्रेट करते ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चूने से ना दीवार को पोत करके और फिर उससे गेरू से डिजाइन बना करके, मेन तो ये होता है श्रवण कुमार बनाते हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी फूल पत्ती ये बना करके और फिर इनकी पूजा की जाती है सेवैयाँ और चावलों से। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, सेम ऐसे ही होता है या कोई अलग रिचुअल है, जरूर बताइएगा। और ये बेडशीट जानी पहचानी लग रही है ना, ऐसी की ऐसी बेडशीट मेरे पास में भी है। ये वाली बेडशीट है ना धुलने में काफ़ी अच्छी होती है और लाइट वेट है काफ़ी, ये बहुत लाइट वेट है और ना धुलने में भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसी की ऐसी सेम टू सेम बेडशीट मेरे पास भी है। मम्मी के बेड पर तो ये बहुत छोटी पड़ रही है, मेरे बेड पर तो फिर भी ठीक आ जाती है। इसका मतलब मेरा बेड है ना छोटा है, क्योंकि मेरे बेड के अंदर ना सिरहाना लगा हुआ है। मम्मी ने ना बेड में ना सिरहाना नहीं लगवाया था, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे फर्नीचर लगा हुआ है ना, तो मम्मी ने ना फर्नीचर की वजह से यहाँ पे ना सिरहाना नहीं बनवाया था, सिंपल बनाया था ये वाला बेड, क्योंकि जो सिंपल होता है ना थोड़ा ऊंचा भी होता है, इसमें टंकी वगैरह भी आ जाती है। और जो मेरा बेड है ना उसके अंदर ना टंकी वगैरह है, ऐसी चीज़ें होती है ना ऊंचाई वाली, वो नहीं आ पाती है, तो मुझे अलग से रखनी पड़ती। मैं छोटी थी ना तो ये कोई भी फेस्टिवल आता था ना तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी, राखी का फेस्टिवल हो या कोई भी फेस्टिवल हो, दीवार पर जो ये मांडने बन रहे ना, इन मांडनों को भी मैं सारे मांडने मैं ही बनाया करती थी। लेकिन अब जब मैं शादी हो गई है और 11-12-13 साल हो गया है लगभग मेरी शादी को, तो मैं जब ये मांडने बनाने बैठी, इतने साल बाद ही मैंने ये बनाए, मैंने शादी से पहले के ही बनाए हुए, तो मुझसे बन ही नहीं रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बना हुआ, और बना बना इतने बनाती थी पहले और अब क्या हो गया, और मुझसे बन ही नहीं रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। फिर मैंने ऐसे फूल वूल से ऐसे ही बना दिए जो मुझे समझ में आया, जो मुझसे बना तो ऐसे बना दिया। मैं बोली क्या बना रही है, चल कोई बात नहीं, बन गए जैसे बन गए। तो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं वीडियोज़ क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, पता नहीं, मेरा एक तो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, आप लोग मेरी हालत भी देख रहे होगे, लास्ट 2-3 वीडियोज़ में तो मेरी कुछ ज़्यादा ही हालत ऐसी हो रही थी, और फिर सफ़र और कर लिया तो भी कुछ ज़्यादा ही ऐसी हालत हो गई थी, तो मेरे से ना वीडियोज़ बन ही नहीं रहे पता नहीं क्यों, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।